अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन अवर ऑनलाइन क्लासेस। आज की हमारी ऑनलाइन क्लास का जो सब्जेक्ट है वो है साइकोलॉजी नफ्सियात, जिसमें हम चैप्टर नंबर 5 की बात कर रहे हैं। और लास्ट सेशन तक के हमने ये समझा कि हमारा दिमाग, हमारा माइंड किस तरह से कंप्यूटर की तरह प्रोसेस करता है। आउटपुट प्रोसीजर और इनपुट सेम वे में काम करता है, तो हमारा दिमाग लाइक कंप्यूटर की तरह है। ऐसा नफ्सियादा के मुताबिक हम कह सकते हैं उनकी थ्योरी के बेस पर। लास्ट सेशन में हमने समझा जो 12th की स्टूडेंट बुशरा ने बहुत ही बखूबी अंदाज में और बहुत ही सही एग्जांपल्स के ज़रिए हमें हमारे फ़िक्र की तारीफ़ और उसको खसूसियात समझाई थी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है तसव्वुर। गुजराती में इसे कहेंगे कल्पना, और तसव्वुर को दूसरे अगर लफ्ज़ों में कहो तो उसे कहेंगे ताक्कुल। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखने, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सब एक दूसरे से रिलेटेड है। और अगर आप गौर करो तो आपको सब में सेम चीज़ें नज़र आएगी, लेकिन उसमें अगर आप उस चीज़ को समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि हर चीज़ में डिफरेंस है। और ये सारी चीज़ें हम हमारे दिमाग के ज़रिए अलग अलग वे में सोचते हैं। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं हम। ताक्कुल गुजराती में से कहेंगे कल्पना। चार पैर, दो कान, एक दुम, ऐसी अमूमी खसूसियत के बारे में सुनकर आपके जहन में किसका ख्याल आता है? चार पैर, दो कान, एक दुम, अगर आपको सपोज करने का आपको कहे तो आप क्या कल्पना करोगे? आप कहेंगे कि आपके जहन में जानवर का ख्याल आता है, राइट? बिकॉज जानवर की ही ये जो सारी खसूसियत मैंने बताई वो जानवर की। लेकिन क्या आप उसे पर्टिकुलर कोई जानवर का नाम दे सकते? नहीं। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी खसूसियात की, क्योंकि हर कोई में, हर एक इंसान में, जानवर में अलग खसूसियात है और वो खसूसियात के बिना पर अलग पहचान रखता है। तो कल्पना के लिए भी हमें ज़रूरी है खसूसियत, तसव्वुर के लिए भी हमें ज़रूरियात है खसूसियत की। तो अगर मैं चार पैर, दो कान, दो अमूमी खसूसियत के बारे में सुनकर आपके जहन में तो जानवर का ख्याल आएगा, लेकिन अगर मैं उसके साथ भौंकना जैसी खसूसियत को इकट्ठा कर दूँ तो आपके जहन में डॉग का ख्याल आएगा, कुत्ते का ख्याल आएगा, क्योंकि मैंने उसमें एक खसूसियत ऐड की, भौंकना। तो आप क्या करोगे, ये सारी चीज़ें सुनकर आप लेबल लगाओगे कुत्ते का। ठीक है, तो इसी तरह से हर एक फ़र्द में, हर एक खसूसियत के बिना पर हम उसको वो लेबल देते हैं। तो याद रखना है कि चार पैर, दो कान, एक दुम और भोगना जैसे एक वर्ड को जब मैं इसमें ऐड करूँगी तो हम उसकी खसूसियत की बिना पर उसे एक कुत्ते का लेबल लगा। तो यहाँ पे ये बात ज़रूरी हो जाती है कि तसव्वुर के लिए हम कोई खसूसियत की ज़रूरत होती है, और वो खसूसियत क्वालिटी की बिना पर हम उसकी कल्पना करते हैं। आइए हम देखते हैं तसव्वुर की तारीफ। सेंट्रोक ने 2005 में तसव्वुर की तारीफ दी है कि तसव्वुर एक ज़हनी सिलसिला है जिसके वसीले से अशिया, वकुआत और खसूसियात के किसी उसूल के तहत ग्रोहबंदी की जाती है। आपको याद रखना है और अंडरलाइन करना है कि अशिया, वकुआत और खसूसियात के उसूल के तहत उसकी दर्जाबंदी की जाती है। और एक ज़हनी अमल है, तो एक ज़हनी अमल है और खसूसियात के बिना पर हम उसको एक शक्ल देते हैं। किसने दिए व्याख्या? सेंट्रोक ने 2005 में। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम किसी मुतारिफ या गैर मुतारिफ शय या वक़ुए को देखते हैं तब हम उसे उस शय या वक़ुए की खसूसियात तलाश करके उसको मुवाजना करके कबल से वजूद की हामिल अशिया या वक़ुआत की खसूसियात के साथ मिलाकर उसको पहचानने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम कोई फल को देखते हैं, सपोज़ कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है मैंगो, जब हम इसको देखते हैं तब हम तसव्वुर करते हैं, हमें पता है ये मैंगो है और हमें पता है कि ये किस चीज़ में शुमार होता है, इसकी खसूसियत क्या है कि ये एक फल है। तो हमें खसूसियत उसकी पता है, इसीलिए हमें उसको किस में डाला कि ये एक फल है। सेम इसी तरह से जब हम किसी टेबल को देखते हैं तो हमें पता है कि टेबल किस चीज़ में शुमार होता है, एक फर्नीचर टाइप का है। टेबल को हम खाने की अशिया में तो यूज़ नहीं कर सकते कि हम टेबल को फल में शुमार कर सकते हैं, नहीं। हमें पता है कि अगर हम कोई टेबल को देख रहे हैं तो वो एक फर्नीचर वाली अशिया है। तो इस तरह से उसकी खसूसियात है, तो उसके बिना पर हम उसकी कल्पना करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, तसव्वुर का इस्तेमाल, कल्पना ना उपयोग, कि जो कल्पना है उसको हम हमारी लाइफ में किस तरह से यूज़ करते हैं। तसव्वुर के ज़रिए
हम फिक्र कर सकते हैं, तेज़ और मौसर अंदाज में तरसील कर सकते हैं। तरसील का मतलब होता है बातचीत, कम्युनिकेशन। या हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि तस्वुर किस तरह फिक्र के लिए, मसले हल के लिए कारामद और मुआवन साबित होता है। हमारे सामने अगर कोई मसला है तो जब तक कि हम हमारे दिमाग में किसी चीज़ का तस्वुर ही नहीं कर पाएंगे तो हम मसले का हल भी नहीं कर पाएंगे। तो तस्वुर, कल्पना हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसे हम समझते हैं। फर्स्ट है, तस्वुर के बगैर हर एक चीज़ या वकुआ एक दूसरे से कतई अलग या अनोखे बन जाएंगे और उसके मुतालिक गौरव फिक्र या तामीम करना मुमकिन नहीं हो सकेगा। तस्वुर के बगैर हर एक चीज़ एक जैसी हो जाएगी, उसमें अगर कोई खसूसियात ही नहीं है, कोई अनोखापन नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हमारे लिए एक ही इक्वल हो जाएगी। लेकिन उसमें अलग खासियत होने की वजह से, हर एक चीज़ में अलग खासियत होने की वजह से हम उसे अलग तरीके से शुमार कर पाते हैं। जैसे बुक का ही मैं एग्ज़ाम्पल आपको बताती हूँ कि मान लो अगर कोई डॉक्टर ने किसी मरीज़ को मशवरा दिया कि आपको माय माध्य का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, तो इंसान को यही नहीं पता हो कि माय माध्य किस चीज़ को कहते हैं, लिक्विड क्या है। अगर उसे यही नहीं पता हो तो माय माध्य की खसूसियात अलग है, ठोस माध्य की खसूसियात अलग है। इसीलिए दोनों की खसूसियात अलग होने की वजह से हम कल्पना कर पाएंगे कि डॉक्टर ने हमें किस चीज़ का सजेस्ट किया है। ठीक है, तो इस तरह से कोई चीज़ का हमें नॉलेज पहले से होता है बिकॉज उसके अंदर वो खसूसियात होती है। दूसरा उपयोग देखते हैं, तस्वुर हमें काफ़ी कुछ याद रखने की जहमत से बरी कर देता है। जब एक बार हमारा तस्वुर हो जाता है, हम उस खसूसियात का हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं, तब हम उसे बार बार याद करने की कोशिश नहीं करते, जिसे याददाश्त में किफ़ायत शौरी का उसूल कहते हैं। याद रखना है आपको, जैसे एग्ज़ाम्पल के ज़रिए मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है परिंदे की। अब मसलन परिंदा एक तस्वुर है जिसमें परिंदे के सभी अमूमी औसाफ है। अमूमी औसाफ की बात कर रहे हो, नॉर्मल परिंदों में जो औसाफ हमें नज़र आते हैं, पैर, चोंच वगैरह, ये चीज़ों से हम पता कर सकते हैं ये परिंदा है। लेकिन क्या हमें पर्टिकुलर नाम दे सकते हैं? नहीं। इसलिए जब कोयल का जिक्र करना हो तब परिंदे की अमूमी औसाफ से मुतालिक हमारी याददाश्त हमें कारगर साबित करती है। जैसे अगर हम बात करें कोई ख़ास परिंदे की, तो हम उस ख़ास परिंदे का, उस ख़ास चीज़ के बारे में उसे बताएंगे। जैसे हम अगर मान लो कोई ख़ास पैरोट की बात करें, तो उसकी जो ख़ास खासियत है, चिड़िया की बात करें, कोयल की बात करें, कौवे की बात करें, तो उनमें जो खासियत है, हम वो खासियत को सामने रखेंगे तो हम उसको ईज़िली तस्वुर कर पाएंगे बिकॉज उनके अंदर भी अलग अलग खासियत है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट तीसरे को देखते हैं। एक मरतबा किसी चीज़ या फ़र्द या मादे का तस्वुर फ़रोग पा जाने के बाद उससे मुतालिक मुसलसल सीखने की ज़रूरत नहीं रहती। तस्वुर में हम कोई एक चीज़ के बारे में समझ लेते हैं, जान लेते हैं, हमारे दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है, याद हो जाती है, तब हम उसे बार बार याद नहीं करते। जैसे फल, हमें पता है कि एप्पल एक फल है, टेबल फर्नीचर में आता है, ये सारी चीज़ें पता है तो हमें इसे बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं आती, क्योंकि वो तस्वुर हमारा हो चुका है। तस्वीर के मुताबिक आपको यहाँ पे लैपटॉप नज़र आ रहा है। अब हमें इसकी खसूसियत पता है कि एक सोशल मीडिया वाला कुछ काम है, टेक्नोलॉजी के लिए हमें कुछ काम करना हो तो वो काम कर सकते हैं। ये खसूसियत इसकी है क्योंकि हमें तस्वुर हो चुका है, हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये कौन सी चीज़ है, ये क्या काम आती है। जब हम फर्स्ट टाइम इसको देखते तब हम ये चीज़ सोचते हैं, लेकिन एक बार जब हमें इस चीज़ के बारे में, इस खसूसियात के बारे में पता हो, तो हम उसे बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम, तस्वुर किसी वाक्य या वकूए की जानिब किसी किस्म का रद्दअमल करना, उसके मुतालिक फ़ैसला करने में हमारी मदद करता है। तस्वुर हमें कोई भी चीज़ के सामने आ जाने से हमें रद्दअमल क्या करना है, हमें किस तरह से रिएक्ट करना है, वो हमें बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी जगह आँख को देख कर हम उससे दूर खड़े रहते हैं, क्यों? क्योंकि हमें आँख की खसूसियत पता है कि आग से हम जल सकते हैं, हमें नुकसान पहुँच सकता है, इसीलिए हम आग से दूर रहते हैं। आप रास्ते में जा रहे हो और सामने से कोई फास्ट में कार वगैरह आ रही है, तो आप वहाँ से रास्ते से हट जाओगे बिकॉज हमें पता है कि सामने से कार आएगी तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। ये सारी चीज़ें हमें पता है, इसीलिए हम उसका रद्दअमल करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो हमारे तस्वुर में है। नेक्स्ट है कि तस्वुर हमारे इल्म को बाकायदा मुनज़्ज़म करने में मदद करता है। चुनांचा जब हम
जब हम भी अपने हमें अपने इल्म का इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश आती है तब हम कोई फ़ैसला या काम कम वक्त और कोशिश में कर सकते हैं। तस्वुर हमारे ऑलरेडी हमारे दिमाग में वो चीज़ें फ़िक्स होती है तो हमें याद करने में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं एग्ज़ाम्पल बताती हूँ, आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के रोज़ाना अपनी किताबें, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, लंच बॉक्स, शनाख्ती कार्ड, आई कार्ड वगैरह जो भी हो, आप अगर एक मुकर्रा मुकाम पर रखते हो, आपको तस्वुर के चीज़ आपने यहाँ रखी, तो दूसरे वक्त आपको चीज़ें फ़ौरन मिल जाती हैं क्योंकि आपको उस चीज़ का सब चीज़ का आइडिया है। सिम इसी तरह से और दूसरी चीज़ें भी है, आप एग्ज़ाम्पल अपनी मर्ज़ी से अपनी बुक में लिख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारे मुजस्म और ज़ीरो तस्वुरात जिस कदर फ़रोग पाए होते हैं उसी तरह मुजर्रद तस्वुरात भी बेहतर फ़रोग पाते हैं। ऐसे तस्वुरात के फ़रोग के नतीजे के तौर पर किसी फ़र्द के ऐसे पहलुओं के मुतालिक फ़िक्र कर सकते हैं जिस फ़र्द की सही तौर पर शनाख्त कर सकते हैं। मतलब है कि हमें जिस चीज़ के जितना ज़्यादा आइडियाज़ हमारे दिमाग में मौजूद हो, मुजर्रद तौर पर फ़िक्र करना यानी कि जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती उसके बारे में सोचना, ठीक है, आइडियाज़ वगैरह, तो हमें जितनी चीज़ों के बारे में जितने आइडियाज़ हो तो हम उसका तस्वुर उतने बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मान लो कोई एक परिंदा है, उसके अंदर अलग खासियत है, आपने उसे कभी देखा नहीं है तो आप उसके बारे में इतना ज़्यादा तस्वुर नहीं कर पाओगे। जैसे मैं एक फल का नाम लेती हूँ, ड्रैगन। अब ये जो नाम है कुछ अजीब नाम है, अगर इसको ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा होगा तो तस्वुर भी नहीं कर पाएगा, लेकिन जिसको इस चीज़ का आइडियाज़ हो वो उसको ईज़िली तस्वुर कर सकता है। तो ये थे हमारे तस्वुर जिसमें हमें खसूसियात की ज़रूरत होती है और उन खसूसियात के बेस पर हम तस्वुर करते हैं, कल्पना करते हैं। बहुत सारे सॉन्ग्स भी तस्वुर के बेस पर ही डिपेंड होते हैं। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि हम तस्वुर जो करते हैं, आपने बहुत सब मूवी में देखा होगा कि तस्वुर करते करते हम जो भी हीरो वगैरह है वो सॉन्ग स्टार्ट हो जाता है, ये सारी चीज़ें भी तस्वुर के बेस पर ही होती है। तो अपने एग्जांपल्स भी नोट में लिखिए, मैंने कुछ एग्जांपल्स बुक के दिए और कुछ एग्जांपल्स अदर दिए, तो आपको बुक्स के एग्जांपल्स नहीं लिखने, अदर अपनी मर्ज़ी से कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपको जो एग्जांपल सही लगे वो आपको लिखना है, ठीक है। थैंक यू।